जब मेरे वर्षों की तपस्या के बाद भी आप अपने ध्यान से नहीं उठे, तब देवताओं ने आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जगाने के लिए कामदेव को भेजा और उन्होंने आप पर बाण चला दिया, किंतु आपने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। श्री नारद ने मुझे समझाया कि देवी सती को खोने से विचलित होकर संसार से पूर्ण रूप से विरक्त हो गए हैं आप, इसीलिए कठोर तप से ही आपकी विरक्ति के भाव को मिटाया जा सकता है। मुझे बताया कि पंचाग्नि तप ही है एकमात्र उपाय और मैंने भी ठान लिया कि मैं सभी कठिनाइयों का सामना करूंगी, किंतु इस कठोर तप को अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा तो आपको पाने की है मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। पार्वती, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम अपने माता पिता के पास उनके निवास स्थान लौट जाओ। उचित समय आने पर मैं तुम्हारा वरण करने स्वयं आऊंगा। आदि शक्ति, जगत जननी हूं मैं और ये मुझे उस तप को पूर्ण करने के बाद ही ज्ञात हुआ और मैंने आपका सानिध्य भी पाया, किंतु गजानन तो अभी बालक है स्वामी, कहीं मैं उसके साथ आवश्यकता से अधिक कठोर तो नहीं हो रही हूं? आपका पुत्र तो स्वयं परम ब्रह्म है, महागणपति है उमा, वो भी अवश्य इस तप के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत कर अपना वास्तविक परिचय प्राप्त करेगा। हाँ स्वामी, अवश्य सफल होगा वो। मुझे यहाँ से दीपक की लौ दिखाई दे रही है स्वामी। और मुझे गजानन, वो अपने ही तप में लीन है। महादेव ने मुस्कुराकर ऐसा क्यों कहा कि गजानन तो अपने ही तप में लीन है? तो ये था आपका संकेत स्वामी? तप नहीं, वो तो निश्चिंता से फलार कर रहा है। कौन है ये शुक्राचार्य? असुरों के गुरु ऋषि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य, जिनकी प्रतिभा देखकर ऋषि अंगिरस ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और अपने पुत्र बृहस्पति के साथ उन्हें शिक्षा प्रदान की।
देव गुरु का चयन कर रहे थे तो अंगिरस ऋषि ने पक्षपात कर अपने पुत्र बृहस्पति को अधिक ज्ञानी सिद्ध कर दिया और उन्हें देव गुरु के पद पर स्थापित करवा दिया। किंतु शुक्राचार्य बिना योग्यता के ही असुरों के कुलगुरु नहीं बने। अपने गुरु के पक्षपात से आहत होकर उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। मैं तुम्हें मृत संजीवनी प्राप्त करने का वरदान देता हूं। जब महादेव के वरदान स्वरूप उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर अपने आप को और भी योग्य बना दिया, तब से अब तक असुरों के कुल गुरु के पद पर स्थित है गुरु शुक्राचार्य। अनेकों बार देवताओं के साथ युद्ध में मृत असुरों को पुनर्जीवित किया है उन्होंने। विजय प्राप्ति हेतु असुरों का मार्गदर्शन किया है उन्होंने। इसलिए आप भी गुरु शुक्राचार्य के शरण में जाइए असुर सम्राट, और उनके सुझाव पर ही अपने आगे की योजना बनाइए। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा मैं गुरु शुक्राचार्य के पास। गजानन, तुम अपने तप से क्यों उठ गए? और ये फल, ये पूजा की सामग्री? मैं तो साधना ही कर रहा था माँ, फिर मुझे भूख लगने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया। किंतु आप चिंता मत कीजिए माँ, भोजन करने के बाद मैं पुनः स्नान कर अपनी साधना प्रारंभ करूँगा। आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं पूर्ण कर लूँगा अपनी साधना। पुत्र, बाप के लिए छोड़ा हुआ कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो अनेक चुनौतियों से संघर्ष कर उन पर विजय पानी होती है पुत्र, उसके बिना कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और चुनौतियां तो कठिनाइयों का रूप लेकर ही प्रस्तुत होती हैं। कठोर साधना से साध कर ही उन्हें सरल बनाया जा सकता है पुत्र। क्या तुम शक्ति संपन्न नहीं होना चाहते पुत्र? अपनी शक्ति को पहचानो गजानन, तो साध कर अपने वश में करो। पूर्ण निष्ठा से वो साधना करो गजानन जिसके लिए माता ने तुम्हें प्रेरित किया। होना चाहता हूँ माँ, भैया ने भी मुझसे कहा था मुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उसके लिए तो तुम्हें ये कठिन तप करना ही होगा पुत्र, क्योंकि सफलता कभी सुगम नहीं होती। उचित है माँ, अब कुछ भी हो जाए मैं अपने तप से नहीं डिगूंगा। माँ, यदि आपकी अनुमति हो तब प्रारंभ करने के पूर्व ये लड्डू और खा लूं। पुत्र, तुम्हारे समक्ष दो मार्ग हैं। एक जिसका परिणाम जीवन भर बिना स्वयं को जाने कैलाश में बैठकर लड्डू खाना, और दूसरा इस कठोर साधना को पूर्ण कर अपने भीतर छिपी अपार शक्ति का परिचय पाना। पुत्र, तुम किस मार्ग पर चलोगे उसका चुनाव तो तुम ही करोगे पुत्र। किंतु इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। तुम्हारा आग्रज कार्तिकेय देव सेनापति है, भली भांति परिचित हैं देवता उनके सामर्थ्य से।
इसीलिए स्वयं देवराज इंद्र उनसे सहायता लेने की गुहार लगाने यहाँ आए थे। वही देवराज इंद्र जिन्होंने देवता के पद पर तुम्हें स्थापित करने के मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया था, तुम्हें स्मरण है ना पुत्र? इस संसार में अनेकों बालक हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम्हारे भीतर असंख्य दिव्य शक्तियाँ जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसीलिए मैंने देवराज इंद्र को चुनौती देकर तुम्हें देव पद ही नहीं देवताओं में भी प्रथम पूज्य बनाने का प्रण लिया है। महादेव की अर्धांगिनी सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र, किंतु यदि तुम भी चाहते हो कि मेरा प्रण सत्य हो, यदि तुम चाहते हो कि सर्व समर्थ बन निर्भय होकर संसार में सत सम्मान जी सको और अन्य जीवों के साथ स्वयं देवराज इंद्र और अन्य देवता भी तुम्हारा सम्मान करें, तो तुम्हें साधना कर अपनी शक्ति को पहचानना ही होगा पुत्र। मेरे पुत्र हो गजानन, तो मेरा मान रखो, तुम्हें सर्व शक्तिमान बनाने के मेरे प्रण को पूरा करो, ये मेरी इच्छा है। किंतु अब सफलता का या सरलता का कौन सा मार्ग चुनोगे तुम, ये निर्णय तो तुम ही को लेना है गजानन। पुत्र गजानन, पुत्र गजानन, पुत्र गजानन, सूर्यास्त हो गया, संध्या हो चली है पुत्र। संध्या भी हो गई माँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज की साधना पूर्ण हुई गजानन, अब भवन चलो और भोजन कर विश्राम कर लो पुत्र। बड़ी विचित्र बात है, आज मेरे जीवन में प्रथम बार मुझे भूख का आभास तक नहीं हुआ, आश्चर्य है। सिंदूरा हंस क्यों रहा है, कहीं इसकी बुद्धि तो नहीं फिर गई है? बुढ़िया सिंगिका, किसके पास ले आई हो मुझे? ये है वो महान गुरु, ये सहायता करेंगे मेरी। ये बुढ़ा जिसके पास मात्र एक ही नेत्र की दृष्टि है, वो भला असुर सम्राट सिंदूरा की सहायता कैसे करेगा? सर सम्राट, दृष्टि पर नहीं, बुद्धि पर ध्यान दीजिए। और इनके ध्यान से उठने के पूर्व ही
इनकी मन और बुद्धि को अपने वश में कर लीजिए। आहा, स्वादिष्ट मोदक। नहीं माँ। क्या हुआ पुत्र, तुमने मुझे और मोदक रखने से क्यों रोक दिया? क्योंकि अब मैं कम भोजन करूँगा। अधिक खाने से निद्रा और आलसपन का प्रभाव बढ़ता है। लो पुत्र। बस बस माँ, इतना अधिक नहीं। और थोड़ा लो पुत्र। बस, और नहीं माँ। पुत्र गजानन, भोजन हो गया तुम्हारा? हाँ नानी माँ, हो गया। तो चलो, सोने से पूर्व मैं तुम्हें एक अच्छी सी कथा सुना देती हूँ, जिससे तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी और तुम्हें निद्रा पड़ जाएगी। नहीं नानी माँ, कथा सुनने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे तो अभी सोना है, क्योंकि अभी नहीं सोऊंगा तो भोर होते ही कैसे जागूंगा। ये तो परिश्रम के बाद की मीठी निद्रा है पुत्र। अब तुम विश्राम कर लो, क्योंकि तुम्हारा तप तो और कठिन होने जा रहा है। महान आचार्य है ये, किंतु हठी है। अपनी बुद्धि के अनुसार ही सब कुछ करते हैं ये, और केवल उसी पर कृपा करते हैं जो इनकी बात सुनता है और मानता है। और मैं तो अपने पिता ब्रह्मदेव की भी बात नहीं मानता हूँ। ये मेरी बात माने और मुझे उचित सुझाव दे, इसलिए मैं इनकी बुद्धि को अपने वश में कर लेता हूँ। असुर सम्राट सिंधुआ, तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम मेरी सेवा करोगे, मेरी सेवा करोगे तुम। जो भी हो तुम, जो ये धृष्टता करने का साहस कर रहे हो, जान लो मैं असुरों का गुरु हूँ और मैं किसी की सेवा नहीं करता। क्या हुआ, उनका मन आपके वश में हुआ कि नहीं? इस बुढ़िया ने कुछ नहीं सुना, अर्थात मेरे मन में प्रवेश कर मुझसे बात की इन्होंने। उचित सोच रहे हो तुम, बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों का तुम्हें। शक्ति का तुम्हें इतना अहंकार है वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी जब तुम्हें उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी। कीजिए, असुरों के इस कठिन समय में केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं गुरुवर। ये मैं क्या कर बैठा, इसके पूर्व की स्थिति हाथ से निकल जाए
मुझे क्षमा मांग लेनी चाहिए। जैसे भी हो, मुझे तो अपना कार्य सिद्ध करना है। गुरुवर, मैं आपका अपमान करने नहीं, आपसे सहायता लेने आया हूं। एक शाप के कारण मैं असुर बना और अब मेरे ऊपर एक महासंकट छाया है। असुरों के कुलगुरु होने के नाते अब आप ही मुझे मार्ग दिखा सकते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। गुरुवर, सहायता कीजिए। कैसी सहायता चाहता तुम? मेरी समस्या का समाधान मात्र एक उपाय, महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन के अंत का उपाय मुझे बताइए गुरुवर। संभव? महादेव के पुत्र को हानि पहुंचाने में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चले जाओ, चले जाओ। चला जाऊं गुरुवर? ओह, समझा। आप तो महान महादेव भक्त है ना, किंतु असुरों के प्रति भी तो आपका कोई दायित्व है। आप भूल रहे हैं गुरुवर, असुरों ने आपको तब स्वीकार किया था, आपको अपने गुरु का पद देकर आपको सम्मानित किया था। जब देवताओं ने आपका तिरस्कार किया था, इसलिए आप असुरों की सहायता के कर्तव्य से अपना मुख नहीं मोड़ सकते। गजानन जो तप कर रहा है, उससे उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो फिर कोई उसका अंत नहीं कर सकेगा। इसलिए यदि तुम उसका अंत करना चाहते हो तो यह कार्य तुम्हें अभी करना होगा। उसके और शक्तिशाली बनने के, उसका तप संपन्न होने के पूर्व। किंतु गुरुवर, हमने तो अनेकों प्रयत्न किए, किंतु हर बार असफलता ही हमारे हाथ लगी। क्योंकि यह प्रयत्न तुमने कैलाश पर करने की भूल की। कैलाश में तुम उसे कुछ नहीं कर सकोगे। गजानन को हानि पहुंचानी है तो तुम्हें उसे कैलाश से बाहर लाना होगा। कैलाश से बाहर? गुरुवर, किंतु कैसे? गजानन की साधना सफल होने के पूर्व स्वर्ग पर आक्रमण करना होगा। उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर वहां स्थित अमृत का पान करो, जिससे तुम अपराजय हो जाओ। फिर तुम गजानन के तप को भंग कर सकोगे, उसका हरण कर उसका अंत नहीं। अमृत पान करूंगा मैं, उचित सुझाव दिया है गुरुवर। किंतु स्मरण रहे सिंदूरा, तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। स्मरण रहे,
ज्ञान में गजानन ऐसे हुए तल्ली। ऋतुओं के बदलाव सब प्रभाव ही, बाहरी वातावरण भी हो भले अशांत, पार्वती सुख शांत दृढ़ और विक्राम। चिंताओं को शांत कैसे करें? देवी पार्वती का एक पुत्र वैसे ही देव सेनापति पद पर स्थापित है, अब यह दूसरा इस तप से अतुलित शक्ति का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। कदाचित आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं मेरे देव। इस कठोर तप को पूर्ण करने में तो गजानन को अनेकों वर्ष लग जाएंगे। सूर्यदेव विपत्ति पूर्व सूचना देकर नहीं आते, अचानक ही आक्रमण करती। भूला नहीं हूं मैं गजानन की क्षमताओं को, किस तरह उसका परिचय उसने हम देवताओं को दिया था। इसलिए हम देवताओं की भलाई इसी में है कि हम सतर्क रहें। कदाचित वो तप में सफल हो, पुनः आप सभी देवताओं का अपमान करेगा और मुझसे मेरा सिंहासन अवश्य छीन लेगा। चलेगा, अवश्य चलेगा तुम्हारा सिंहासन देवराजेंद्र, किंतु गजानन द्वारा नहीं, मेरे द्वारा। ससुर, तूने पुनः यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? अतिथि का सत्कार किया जाता है, तिरस्कार नहीं। सिंदूरा! जो बिना निमंत्रण आते हैं वो अतिथि नहीं, शत्रु होते हैं। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। मूर्खता नहीं देवराज, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अन्यथा विवश होकर मैं ही वश में करूंगा तुम्हारी बुद्धि। झुकाओ अपने अस्त्र अभी इसी क्षण। अब तुम सभी मेरे नियंत्रण में हो, उचित है अब। इंद्रदेव, तुम्हारे सिंहासन पर अब मेरा अधिकार है, हट जाओ मेरे मार्ग से। कार्य तो संपन्न हो गया, अब जो कार्य करने आया हूं वो प्राप्त करना है मुझे। अमृत चाहिए मुझे।
तब से उत्पन्न ऊर्जा का आभास तो हो रहा है मुझे, अर्थात अब मुझे तब को अगले स्तर पर ले जाना होगा, किंतु ये मुझे कैसे ज्ञात होगा कि वो अगला स्तर क्या है? गजानन, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें इस तप को पूर्ण करने का मार्ग दिखाऊंगा। धन्यवाद, किंतु आप कौन हैं? पहचानो मुझे गजानन, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, महागणपति हूँ। तुम्हारे तप में तुम्हें सफलता दिलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे अमृत चाहिए जिसमें तनिक भी विलंब नहीं हो सकता। किंतु अमृत पर तो कड़ी सुरक्षा है और उसे भेद पाना अत्यंत कठिन। केवल त्रिदेवों की अनुमति से ही सुरक्षा चक्र को भेद कर अमृत तक पहुंचा जा सकता है। चार सुरक्षा घेरों में बटे इस सुरक्षा चक्र के प्रथम घेरे पर यक्ष, गंधर्व और देवताओं के साथ स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी अमृत की रक्षा करते हैं, और दूसरे घेरे की रक्षा दिव्य अग्नि रेखाएं करती है। उनसे टकराने वाला भस्म होकर अपने प्राण खो बैठता है, एक विकराल दिव्य चक्र रूपी। तृतीय घेरा तो इतना भयंकर है कि उसकी कल्पना से ही भय लगता है। इस विशाल चक्र के नुकीले लोहतंत्र सदैव ही गतिमान रहते हैं, जो क्षण भर में किसी को भी काट सकते हैं। और चौथे घेरे पर दो विषैले भयानक नाग सदैव अमृत की निगरानी में रहते हैं, उनकी दृष्टि मात्र के पड़ने से कोई भी जीव क्षण भर में भस्म हो जाता है। तो क्या आज तक कोई भी त्रिदेवों की अनुमति के बिना अमृत तक नहीं पहुंच सका? केवल गरुड़ ही ऐसा करने में सफल रहे, क्योंकि वो अपनी माता विंता असत्व से मुक्त कराना चाहते थे। माता के प्रति उनके निष्ठा देख त्रिदेव उनसे अति प्रसन्न हुए, और माता की सेवा के लिए इतना अपार साहस करने के लिए श्रीहरि ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। जो कोई और कर चुका है वो मेरे लिए भी असंभव नहीं। त्रिदेवों की सहमति के बिना सफलता पूर्वक अमृत तक पहुंचने वाला मैं दूसरा होऊंगा। शीघ्र ले चलो मुझे वहां। जो आज्ञा। अमृत का पान करना अनिवार्य है मेरे लिए। अब अपने नेत्र बंद करो और अपना संपूर्ण ध्यान अपनी रीढ़ के मूल पर स्थित अपने प्रथम चक्र पर केंद्रित करो। ये तुम्हारा मूलाधार चक्र है गजानन, तुम्हारी सुप्त ज्ञान का आधार, मूला चक्र जो कुंडलिनी शक्ति का मूल भी है, किंतु वो शक्ति अभी गहरी निद्रा में है। अपने इस चक्र को जागृत कर मुझे पाने की यात्रा आरंभ करो। शक्ति जागृत हुई है जिसकी अपार ऊर्जा के कारण तुम्हें कष्ट हो रहा है। अपना ध्यान केंद्रित रखो गजानन, स्थिर रहने का प्रयत्न करो। ये शक्ति मेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर मुझे पवित्रता प्रदान कर रही है। कुछ पाने के लिए कष्ट तो सहना ही होता है, मैं सहूंगा इस कष्ट को, अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने दूंगा। सभी मुझ में ही हैं और मैं ही सब में हूं। Thank you.
गजानन का तप तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इंदिरा का शीघ्रता कर अमृत तक पहुंचना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। ये मेघ इतने अशांत क्यों है? कहीं कोई संकट तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। चेंज यहां राजेंद्र, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, आप सभी यहां? ये तो एक सुखद आश्चर्य है। प्रणाम देवशिल्प विश्वकर्मा जी। मैं देवराज इंद्र यहां अमृत लेने आया हूं। आगे बढ़ने दीजिए। अमृत? किंतु देवराज, आपको तो ज्ञात है त्रिदेवों की अनुमति के बिना ही असंभव है। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अनुमति नहीं मांग रहा हूं, आदेश दे रहा हूं आपको। ये अकस्मात देवराज इतना अनुचित आदेश क्यों दे रहे हैं? देवता एक असुर को लेकर आए हैं यहां। पिता का शिल्पकार मैं ही हूं।
सर्वप्रथम प्रवेश करने का अधिकार आपका है असुर सम्राट सिंधुरा जी, किंतु स्मरण रहे प्रवेश करने के बाद दो प्रहर के भीतर भीतर यदि अमृत कलश तक नहीं पहुंच सके तो यहाँ के सभी सुरक्षा घेरे अपने आप ही बंद हो जाएंगे और आप अनंत काल के लिए यहाँ बंदी बन जाएंगे। अब मूलाधार से ऊपर द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्वाधिष्ठान चक्र तक बढ़ने दो और अपनी मूल प्रकृति पर नियंत्रण पाकर उसे परिवर्तित कर उससे कहीं आगे जाने का सामर्थ्य प्राप्त करो। मेरा तप सत्य है और ये भोजन मिथ्या। स्वादिष्ट भोजन के लालच में पड़कर मैं अपने तप को भंग नहीं होने दूंगा। अब मैं क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार आदि अवगुणों से मुक्त होकर शुद्धता प्राप्त करता हूँ। तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक पर ध्यान केंद्रित करो गजानन। मणिपूरक चक्र उस दिव्य मणियों से सुशोभित नगरी के समान है जिसकी दिव्य ज्योति तुम्हारे विचारों को स्पष्ट बनाएगी। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अब मणिपूरक चक्र तक बढ़ने दो। जागृत करो इस चक्र को और अपने आत्मज्ञान को उजागर करो। विश्वकर्मा जी आगे बढ़िए। इस प्रकार तो मेरे अमृत तक पहुंचने के पूर्व गजानन अपना तप संपन्न कर लेगा, उसके पूर्व भी अमृत पान करना है मुझे। शरीर में इस तप से उत्पन्न ऊर्जा तो मुझे भावनाओं के आवेग में बहा रही है। मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। मैं स्वयं को सभी प्रकार के भय और दुविधा से मुक्त करता हूँ। अपनी सभी भावनाओं का मैं ही स्वामी हूँ। अब चतुर्थ चक्र अर्थात अनाहत पर अपना ध्यान केंद्रित करो। स्नेह का मंदिर है ये चक्र, प्रेम से सिंचित वो पावन स्थली है जिसमें आत्मा वास करती है।
अपनी कुंडलिनी शक्ति को अनाहत चक्र तक गतिमान करो गजानन। क्या हुआ? हम सुरक्षा चक्र के द्वितीय घेरे तक पहुंच गए हैं। अच्छा, कहाँ? विलंब मत करो, शीघ्र खोलो। अग्नि रेखाएं अत्यंत ही घातक हैं। इन अग्नि रेखाओं को भेद पाना तो मेरे लिए भी असंभव है। समय का चक्र बड़ी तीव्रता से घूमता जा रहा है। अमृत तक पहुंचने के लिए मात्र दो प्रहर है मेरे पास, और ये कार्य मुझे उस बालक के तप संपन्न करने के पूर्व ही पूर्ण करना है। अब मुझे अपने और सभी जीवों के भीतर परमात्मा के पावन दर्शन हो रहे हैं। मैं अपनी आत्मा के नेत्रों से अपने वास्तविक रूप को देख पा रहा हूँ। पंचम चक्र, विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करो गजानन। विशुद्धि चक्र शरीर और आध्यात्मिक दोनों में शुद्धि और सामंजस्य स्थापित करने का स्थान है। अब अपनी कुंडलिनी शक्ति को विशुद्धि चक्र से एकीकार करो। अब वो द्वार भी मैं खोल चुका हूँ, जिससे मैं अपनी चेतना को पूर्णता की ओर ले जा रहा हूँ। षष्ठम चक्र, अचना पर ध्यान केंद्रित करो गजानन। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने तीसरे नेत्र के स्थान पर, अर्थात वहां केंद्रित करो, जो तुम्हारे विवेक और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। मात्र एक क्षण के लिए बैठ सकता मैं, थोड़ा सा विश्राम कर लेता तो थकान दूर हो जाती मेरी। इतना थक गया हूँ मैं, विश्राम चाहिए मुझे। गजानन के तप के स्थान से आने वाली ऊर्जा को अनुभव कर रहा हूं मैं। वो बहुत शीघ्रता से अपने तप में आगे बढ़ रहा है। सिंदूरा, मेरी चेतावनी स्मरण है ना तुम्हें? गजानन की शक्तियां जागृत हो रही हैं। यदि तुम्हारे अमृत पान के पूर्व ऐसा हो गया तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। गजानन जो तप कर रहा है उससे उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो फिर कोई उसका अंत नहीं कर सकेगा। इसलिए यदि तुम उसका अंत करना चाहते हो तो यह कार्य तुम्हें अभी करना होगा। समय नहीं है मेरे पास, शीघ्र इस समस्या का समाधान सुझाइए मुझे। विश्वकर्मा जी, क्या आपको पूर्ण विश्वास है आपका ये कवच इन अग्नि रेखाओं के प्रभाव को झेल सकता है? मैं सृष्टि का शिल्पकार हूँ देवराज इंद्र, और मेरे द्वारा रचित इस कवच में ही इन अग्नि रेखाओं को रोक पाने का सामर्थ्य है।
प्रतीत होता है वो प्रकाश अमृत के स्थान से ही उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अपने लक्ष्य के समीप पहुंच रहा हूं मैं। अपनी शक्ति को पहचानो गजानन, उसको साध कर अपने वश में करो, पूर्ण निष्ठा से वो साधना करो गजानन जिसके लिए माता ने तुम्हें प्रेरित किया है। नहीं, लक्ष्य प्राप्त किए बिना मैं थकान स्वीकार नहीं करूंगा। सत्य की साधना करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि सत्य तो मेरे समक्ष है, मेरे भीतर ही है सत्य। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से उसे पहचान चुका हूँ। अब तुम पूर्ण आत्मज्ञान के अत्यंत निकट पहुँच चुके हो गजानन। अपने ध्यान को अपने शेष के चरम स्थान पर केंद्रित करो। का अंतिम चरण सप्तम चक्र सहस्त्रार चक्र जो अनंत है। अब अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने शरीर के भीतर से बाहर आने दो गजानन और उसके माध्यम से दिव्य ज्योति के पास ले जाने दो। ये क्या हो रहा है मुझे? जैसे ये ऊर्जा मुझे भेद देगी, मेरे भीतर विस्फोट कर मुझे खंड खंड कर देगी। तुम अब अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हो गजानन। देखो तुम अपनी साधना में कितने आगे बढ़ाए हो। यदि अब तुमने साधना त्याग दी तो तुम्हारा संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाएगा, किंतु तुम ऐसा नहीं होने दोगे ना। लक्ष्य पर ध्यान स्थिर रखकर इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयत्न करो गजानन। तुम ऐसा कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम अवश्य सफल होगे। Thank you.
त्रय देवी पार्वती के पुत्र गजानन की शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। यदि सिंदूरा अभी भी अमृत तक नहीं पहुंचा है तो कदाचित अब बहुत विलंब हो चुका है। मुझे आभास हो रहा है कि अब समय शेष नहीं है। शीघ्रता करो, खोलो इस द्वार को। विश्वकर्मा जी, ये एक ऐसा प्रकाश है। आगे बढ़ो, शीघ्र ले चलो मुझे अमृत तक। दुष्ट असुर, मेरे यहां तक आने का दुस्साहस कैसे किया? नहीं, ये कैसे संभव है? ये मेरे सम्मोहन शक्ति को तोड़कर बाहर कैसे आ गए?